हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चटपटा सा दही वड़े की। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो क्या ही बताएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए इस फटाफट से दही वड़े की रेसिपी को स्टार्ट किया जाए। दही वड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले भिगोए हुए दाल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप उड़द दाल का इस्तेमाल किया है, इसे हमने रात भर भिगो के रखा था। अब हम दाल को ग्राइंडर में डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर दाल को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी का जो दाल है उसे भी हम ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सारे दाल को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से दाल के साथ फेंट लेंगे। इसे हम अच्छे से लगभग 10 मिनट तक फेंट लेंगे। दाल को हम जितना अच्छा फेंटेंगे, जितना देर तक फेंटेंगे, उतना ही अच्छा बड़े बनकर तैयार होंगे। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 10 मिनट तक इसे फेंट लिया है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे बैटर हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बैटर को डालकर देखेंगे। तो देखिए, जो बैटर है वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है, इसका मतलब हमारा जो बैटर है वो तैयार है। फ्राई किया हुआ बड़े को हमें पानी में भिगोना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लेंगे और इसमें हम 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी नमक डाल देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। तो पानी हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए हम बड़े को फ्राई कर लेते हैं। अब हम बड़े को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लेंगे। तो देखिए, तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम सारे बड़े को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बड़े को डालते जाएंगे और हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से ये फ्राई हो चुकी है, इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। बड़ा दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे और फटाफट से जो हमने पानी तैयार करके रखा था उसमें हम डाल देंगे। इसी तरीके से हम जो सारे बड़े हैं वो हम फ्राई कर लेंगे और हम पानी में इसे डाल देंगे। सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम पानी में सोक करने के लिए रख देंगे और इसे हम ढककर लगभग 1/2 घंटा तक इसे हम पानी में भिगो के रखेंगे। इससे हमारी जो बड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगी। 25 से 30 मिनट बाद दही बड़े हैं वो अच्छे से फूल गया है और साइज में भी डबल हो चुका है। अब हम बड़े को एक एक करके निकाल लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे जो बड़े हैं वो पानी से निकाल लिया है। अब हम दही बड़े के लिए दही को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दही ले लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी नमक और 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। इसमें से हम थोड़ी सी दही अलग रख लेंगे प्लेटिंग करने के लिए। दही को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम बड़े को एक एक करके इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे दही के साथ और इसे हम लगभग 10 मिनट तक ढककर रहने देंगे। इससे क्या होगा कि बड़े के अंदर तक अच्छे से दही चला जाएगा और इसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। दस मिनट बाद हम इसकी अब प्लेटिंग कर लेंगे।
प्लेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर कुछ बड़े को ले लेंगे और इसके ऊपर हम जो अलग करके रखा था दही को उसे हम डाल देंगे इसके ऊपर, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो चाट मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम दही बड़े के ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमारी मार्केट जैसी दही बड़े बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।